नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे एमटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी मार्च 2019 में आई थी और अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई है। अभी भी ये बहाली प्रक्रियाधीन है। सरकार को और रेलवे भर्ती बोर्ड को इस प्रक्रिया को इस तरह से संपन्न करना चाहिए, बहाली की प्रक्रिया को, ताकि सीटें खाली न रहे। ऐसा ना हो कि प्रक्रिया को इस तरह से बंद कर दिया जाए कि हजारों सीट खाली रह जाए और युवा बेरोजगार रह जाए, क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है और रेलवे की वैकेंसी पहले हर साल आती थी और अब क्या है, हर साल वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो 2019 में जो वैकेंसी आई, जितने सीटों पर वैकेंसी आई उतने सीटों पर बहाली पूरी होनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि ग्रुप डी की बहाली जो है पहले पूरी की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें हजारों सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि अगर ग्रुप डी का पहले रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है, ग्रुप डी की बहाली पहले पूरी की जाती है और एनटीपीसी का बाद में रिजल्ट आएगा, तो होगा क्या कि जो लोग ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेंगे और उनका एनटीपीसी में भी रिजल्ट हो जाएगा, तो ग्रुप डी को छोड़कर वो एनटीपीसी में चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रुप डी के हजारों जो पद हैं वो खाली रह जाएंगे और यहाँ लाखों स्टूडेंट्स इस रेलवे की बहाली में लगे हुए हैं, 2019 से लगे हुए हैं, और वो बेरोजगार हो जाएंगे और सीटें खाली रह जाएगी। तो ये देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, अत्याचार होगा। इसलिए सरकार को भी चाहिए, रेल मंत्री को भी चाहिए, रेल मंत्रालय को भी और रेलवे भर्ती बोर्ड को भी, कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और रेलवे एनटीपीसी की बहाली पहले पूरी करे। रेलवे एनटीपीसी की बहाली को पहले पूरी कर दे और उसके बाद ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जारी करे। इससे क्या हुआ कि जो लोग रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्ट हो जाएंगे वो ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, ग्रुप डी के लिए वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ग्रुप डी में नहीं जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सीटें खाली नहीं रहेगी। लेकिन अगर पहले ग्रुप डी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है, ग्रुप डी वाले को ज्वाइन करा लिया जाता है, उसके बाद एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा, तो जिनका ग्रुप डी में हुआ है और उनका अगर एनटीपीसी में भी हो जाएगा तो वो लोग ग्रुप डी को छोड़कर एनटीपीसी में चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में ग्रुप डी के हजारों पद खाली रह जाएंगे और इधर लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर रेलवे भर्ती बोर्ड को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि आपने जो वैकेंसी निकाली थी, तो वैकेंसी निकालने का मतलब यह था कि जितने पदों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने पदों पे बहाली पूरी करनी है, ना कि आपको सीटें खाली रखने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। सरकार ने आपको रिक्तियां भेजी केंद्र सरकार ने, तो इसका यह मतलब नहीं था कि आप 1 लाख सीट पर निकाला गया वैकेंसी और 50,000 पे पूरा कीजिए, 50,000 सीट खाली रख दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे आप बहाली को पूरा कीजिए, उतने सीटों पे नौकरी दीजिए युवाओं को। और दूसरी तरफ वेटिंग लिस्ट भी दोनों में, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं तो उसके बाद अगर उनका कहीं और जॉब लग गया या कुछ और परिस्थितियों की वजह से वो छोड़ देते हैं। जैसे ग्रुप डी में अधिकतर लोग 3 महीना 2 महीना 1 महीना के बाद छोड़ भी देते हैं, रिजाइन मार देते हैं। ऐसा पिछला रिकॉर्ड भी रेलवे में देखा गया है कि ग्रुप डी से 1-2 महीना 3 महीना के बाद बहुत से लोग नौकरी छोड़ देते हैं। उनका सिलेक्शन अगर कहीं और हो जाता है या किसी और वजह से भी, तो वैसी परिस्थिति में ग्रुप डी के हजारों पद खाली रह जाते हैं। जैसा कि पिछली वैकेंसी को अगर देखा जाए तो उससे ये पता चलता है कि बहुत सारी सीटें, हजारों सीटें खाली रह जाती है। इसलिए रेलवे को चाहिए एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान करे ताकि सीटें खाली ना रहे। तो सरकार को, केंद्र सरकार को, रेल मंत्री जी को, रेल मंत्रालय को और रेलवे भर्ती बोर्ड को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया आप इस तरह का बनाइए, इस तरह से बहाली कीजिए ताकि सीटें खाली ना रहे। इसके लिए आप वेटिंग लिस्ट भी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में वेटिंग लिस्ट भी जारी करने का प्रावधान कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए और पहले ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की बहाली को संपन्न कीजिए, उसके बाद एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किए ताकि सीटें खाली ना रहे। इसलिए आप जितने भी रेलवे अभ्यर्थी हैं, आपसे भी आग्रह कर रहे हैं हम कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए और सोशल साइट्स पे, कम से कम फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, उस पर आप अपने हक और अधिकार की आवाज उठाइए और मांग कीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट पहले आए, रेलवे ग्रुप डी की बहाली को पहले संपन्न किया जाए, उसके बाद एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए और दोनों में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।